हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट रोज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज क्लोथिंग हॉल। मैंने बहुत सारी ऑफलाइन शॉपिंग करी है, नो अमेज़ॉन, सब कुछ ऑफलाइन शॉपिंग करी है मैंने लोकल वेंडर से। एंड मैंने बहुत सारे क्लोथ कपड़े खरीदे हैं और आज मैं पहली बार फर्स्ट टाइम क्लोथिंग हॉल बना रही हूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको क्लोथिंग हॉल। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं फ्यूचर में और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पोस्टिंग एनी टाइम। एंड इससे पहले पूछा आपने ये लुक का वीडियो डालो, मैंने पहले डाल चुकी होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन वॉच, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैंने बहुत सारी ऑनलाइन रैंडम शॉपिंग भी करी है, वो मैंने सोचा कि मैं एक ही हॉल में दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा पर आई एम सो सॉरी नॉइज़ आएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, बहुत आवाज़ आ रही है। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने बाय करी है, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से बाय करी है, ये है मैंने ब्यूटीफुल फ्लैमिंगो का पर्स ख़रीदा है, वॉलेट बोल सकती है, ब्यूटीफुल काफ़ी ज़्यादा। लाइक मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। लाइक कैन यू सी गाइस, इतना ज़्यादा इसमें आपको ये पॉकेट्स मिलती है, दिस ओ माय गॉड, इसमें ये सारी पॉकेट्स मिलती है आपको। रिसेंटली मैंने इसे बाय करा है एंड इसे बाय करा था मैंने जून ऐप से। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं दे दूँगी, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है वॉलेट, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसमें एक ग्लिटर्स ग्लिटर्स भी है, आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा प्रिटी है। इसका जो स्टोन वर्क है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे स्टोन वर्क तो नहीं दिख रहा था ऑनलाइन शॉपिंग में, बट आया तो मुझे अच्छा ही लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है, लाइक एकदम अच्छी अच्छी वाइब्स दे रहे हैं। सो मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स भी बाय कराए, थॉट कि मैं इसमें ही शो कर दूँ आपको, क्योंकि वो दो तीन ही है तो हॉल बनाने का फ़ायदा क्या। तो मैंने ये बाय करा था डाजलर का कम्पैक्ट, ये है लाइक कॉन्टोरिंग करने के लिए। एंड ये कुछ आपको ऐसा मिलता है, पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी सी है, प्लास्टिक पैकेजिंग है। एंड दिस इज़ bomb.com गाइस, दिस इज़ लिटरली वाओ, इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है ना, लाइक मैंने अभी भी ब्रॉन्जिंग इससे कर रखी है। आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। एंड वाओ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपको बाय करना है तो मेरे दिए गए लिंक से आप नीचे जाके बाय कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है गाइज, लाइक 80 रुपये में आपको कॉन्टोरिंग करने वाला मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कॉन्टोरिंग आपको जस्ट 80 रुपीज़ का मिलता है, मैंने दो बाय करे हैं क्योंकि एक आता नहीं है तो दो ही बाय करने पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लोथिंग हॉल। पहली चीज़ जो मैंने बाय करी है वो है ये पजामा, ये लाइक वुलन पजामा, एकदम वुलन पजामा नहीं होता वैसा पजामा, स्ट्रेचेबल। मुझे ये पजामाज बहुत पसंद है रेदर देन जीन्स, मुझे कंफर्टेबल क्लोथ्स बहुत पसंद है। मैं बाहर भी मोस्टली कंफर्टेबल क्लोथ्स में ही दिखती हूँ, पजामा पहन के जाती हूँ बाहर, बिकॉज नहीं होता यार मेरे से जीन्स वीन्स, पर पहन लेती हूँ कभी कभी। बट दिस आई गॉट दिस पजामा जस्ट फॉर 200 रुपीज़, एंड ये ग्रे कलर का था तो मुझे लगा सारे स्वेट शर्ट पर सूट कर जाएगा, हुडीज़ पे, मेरे पास बहुत सारी हुडीज़ है विंटर की। सो ये कुछ ऐसा पजामा है, आप देख सकते हो, हेयर यू कैन सी, काफ़ी ईजी है, कन्वीनियंट है, बस हल्का सा ढीला आ रहा है मुझे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ कि मैं इसे पहन सकूँ। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, मतलब मुझे ग्रे कलर का पजामा चाहिए था जो सब पे सूट करे। सो या, सो नेक्स्ट थिंग जो मैंने बाय करी है दैट इज़ ये वाइट कलर का पजामा, इसमें लाइक शीप बन रखी है, इतनी क्यूट सी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखती है ये, कुछ ऐसा पजामा ऐसा वाला। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे सा क्यूट सा बाबा बैक शेप वाली पोएस पे, क्या बोलते हैं, ये अगेन वुलन पजामा है एंड आई लव पजामास। अगर आपको भी पजामा पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो तो मेरे कितने सब्सक्राइबर्स मेरे जैसे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट थिंग गाइस जो मैंने बाय करा था ये है ब्यूटीफुल सा टॉप, ये लाइक ये ऐसा कलर का है, ये भी मैंने लाइक नॉर्मल शॉप से लिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है एंड ये लाइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न है। मुझे ना ज़्यादा क्लोथिंग हॉल बनाने नहीं आते तो मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा बाय करा है ब्यूटीफुल सा स्वेट वाला, लाइक ये स्वेटर टाइप सा है, ये काफ़ी कंफर्टेबल, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, मुझे इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कैन यू सी इसका कलर कितना ज़्यादा प्रिटी है, एंड काफ़ी लाइक टग इन करके आप पहन सकते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे फैशन पे इतना सेंस नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है ये आप टग इन कर सकते हो जीन्स में आने का, मतलब
नेक्स्ट थिंग जो मैंने बाय करी है दैट इज़ जॉगर्स। ये मैंने तीन कलर में ली थी, ये मैंने ली है एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में। ब्लैक सब पे चल जाएगी एंड ये ब्यूटीफुल सा कलर, लाइक इसको कौन सा कलर बोल सकते हैं, डार्क ग्रीन जो भी हो, मुझे कलर नहीं पता, बट ये कुछ ऐसी जॉगर है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मुझे, लाइक हर कपड़े पे सूट हो जाएगी, हर कपड़े पे सूट हो जाएगी। तो ये जॉगर्स कितनी स्टाइलिश लगती है, मतलब मुझे ऐसे जो कंफर्टेबल इलास्टिक वाले क्लोथ्स होते हैं वो बहुत पसंद है। सो ये सारे कपड़े मैंने खरीदे हैं, ये है मेरा छोटा सा क्लोथिंग हॉल। और भी चीज़ें खरीदी हैं पर मैं ना, मतलब अब मैं थक गई हूँ वीडियो बना के। तो होप आपको होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर दो गाइस, एक लाइक कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे क्लोथिंग हॉल बनाऊँ तो कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।